जैन दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेनरी का नियम देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में देखने के लिए मिल ही जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस नियम को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए, कुछ बच्चे इसको रटने लगते हैं, रटिएगा ना तो एग्जाम में लिख नहीं पाइएगा, इसलिए इसको समझिए। और आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो तो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी का अनुप्रयोग, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी आप इसके लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कभी आपको एक बार फिर से हेनरी का नियम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो पूरा देखिएगा। हेनरी का नियम आज की वीडियो में आपको दिमाग में घुसा के ही रहूंगा, ठीक है। देखिए, हर एक शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा। देखिए, हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार देखिए यहां से लेकर यहां तक का खेल ही है। बस यहां से यहां तक समझ गए ना तो समझिए कि हेनरी का नियम हलवा है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, स्थिर ताप बोले तो निश्चित ताप, स्थिर ताप बोले तो निश्चित ताप पर गैस के द्रव में, और गैस और द्रव आप तो जानते हो गैस और द्रव क्या होता है, 9 क्लास 8 क्लास 7 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास, इस सब में आप गैस और द्रव के बारे में पढ़ते आए हो तो ये तो आपको मालूम होगा। आगे है कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलयता क्या होता है वो समझिए। विलयता यानी होता है घुलना, विलयता यानी कि घुलना। जैसे मैं कहूँ कि एक गिलास पानी लाइए, एक चम्मच चीनी लाइए, उसको घोल दीजिए तो वो घुल जाएगा, तो वही विलयता कहलाता है। यानी कि नमक, चीनी और पानी को घुलना ही क्या हो गया, विलयता हो गया। उसी प्रकार आप बहुत सारे पदार्थ को घोल सकते हो तो वो विलयता हो जाता है, ठीक है। तो विलयता आपको समझ में आ गया होगा। आगे है कि गैस के दाब का समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती क्या होता है पहले उसे समझिए, उसके बाद ही मैं पूरा नियम फिर से समझाऊंगा और उसके बाद आपको 100% समझ में आएगा। समानुपाती का कहने का मतलब है कि एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाएगा, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेना है, हर चीज को मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे कि आप चीनी को पानी में घोल रहे थे, तो जो आपका जितना ज़्यादा चीनी घोलोगे पानी में वो उतना ही ज़्यादा मीठा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चीनी जो है वो मीठे के समानुपाती है, यानी कि चीनी की जितना ज़्यादा मात्रा बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा मीठा का मात्रा बढ़ेगा। एक चीज़ बढ़ा रहे दूसरा चीज़ अपने आप बढ़ जा रहा है, यही समानुपाती होता है। आपको समझ में आ गया होगा ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। तो आप चलिए इस नियम को फिर से समझते हैं और इस बार आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सारे शब्द का अर्थ आपको मालूम हो चुका है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा ये मैं आशा करता हूं। चलिए एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप कोई गैस को द्रव में घोल रहे हो और उसको अच्छे तरीके से घुलाना चाहते हो तो गैस पर दाब लगा दो, वो अच्छे तरीके से घुल जाएगी, यही हेनरी का नियम कहता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलयता, यहां से लेकर यहां तक कि समझो गैस के द्रव में विलयता, यानी कि गैस को आप द्रव में घोल रहे हो और अच्छी तरीके से घोलने के लिए क्या करना होगा, गैस को दाब लगाना पड़ेगा। वही बात कहा जा रहा है कि गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, यानी कि गैस के दाब बढ़ाओगे आप, जितना ज्यादा दाब लगाओगे उतना ही ज्यादा गैस द्रव में विलय होगा, घुलेगा। समझ में आ गया, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब का समानुपाती होता है। एम समानुपाती पी, ये जो देख रहे हैं समानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। एम क्या है तो एम घुली गैस की मात्रा, जो आप गैस द्रव में घुल रहे हो जितना ज्यादा गैस की कितनी मात्रा घुल रहे हो वही एम है, घुली गैस की मात्रा। यह समानुपाती का चिन्ह है तो इसको जब अगर आप हटाओगे तो एम बराबर केपी हो जाएगा। ये के क्या है तो समानुपाती स्थिरांक है, ठीक है। इसको टेंशन नहीं लेना, जब हेनरी के नियम का आप नोमेरिकल बनाओगे तो उस नोमेरिकल में के का मान दिया रहता है, तो इसको टेंशन आपको नहीं लेना है। जो पी है वो पी क्या है, गैस का दाब है। देखो, गैस के द्रव में विलयता, तो आप गैस को द्रव में घोल रहे हो तो गैस की जितना मात्रा लोगे उसे एम से प्रदर्शित करोगे और गैस में जितना ज्यादा दाब लगाओगे उसे पी से प्रदर्शित करोगे, समानुपाती को समानुपाती चिन्ह से प्रदर्शित करोगे। आगे आपको समझ में गैस के द्रव में समानुपाती होता है, मतलब हेनरी का नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इतना लिख दिया आप हेनरी का नियम, लिख के उसका सूत्र लिख देंगे, उसके बाद आपको लिखना है हेनरी का नियम की सीमाएं। अगर इतना आप लिख के आएंगे तो आपको कोई भी टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा, ये 100% की गारंटी है मेरी। आप लिख के आना, जितना मैं लिखा रहा हूं आज की वीडियो में, वो अगर आपके 4 नंबर में आए, 7 नंबर में आए, कितने भी नंबर में हेनरी का नियम आए, बस इतना लिख दोगे तो मैं लिख के देता हूं कि 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है, बस 3 लिखना है, ज्यादा नहीं। यह तनु विलयन पर कार्य करता है। तनु विलयन बोले तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो यह तनु विलयन पर क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा, यह उच्च ताप, ताप क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, दाब थोड़ा कम होना चाहिए ताप से, ठीक है। तीसरा, यह उन गैसों पर कार्य करता है जो विलायक से क्रिया नहीं करता है। अब तुम कोई ऐसा गैस ले लिए जिसको तुम विलायक में, द्रव में घोल रहे हो और उससे क्रिया कर डाले, तो कहां से घुलेगा भाई, वो तो क्रिया कर रहा है, इसलिए किसी भी वो उन गैसों पर यह कार्य नहीं करता है जो विलायक से क्रिया करते हैं। यह उन गैसों पर कार्य करता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे देखिए। हेनरी का अनुप्रयोग, बस 3 लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस 3 हेनरी का अनुप्रयोग। पहला, शीतल पेय पदार्थ में, शीतल बोले तो ठंडा, पेय यानी पीने वाला पदार्थ, यानी कि जल, पीने वाला जल ही होता है ना, इसलिए पदार्थ यानी जलीलो। शीतल पेय पदार्थ में, जैसे कि आप बाजार में कोल्ड ड्रिंक देखते हो, आप कोल्ड ड्रिंक पिए भी होगे, जैसे कि पेप्सी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फिर आपका कोको कोला हो गया, ये सब जो है ये क्या चीज़ से बनते हैं, ये हेनरी के नियम से ही बनते हैं भाई, इनमें हेनरी के नियम का प्रयोग होता है, इसलिए शीतल पेय पदार्थ में इनका प्रयोग होता है। दूसरा है गोताखोर द्वारा, दूसरा क्या है, गोताखोर द्वारा, ठीक है। तीसरा, फेफड़ों की क्रिया विधि में, आ गया आपको समझ में हेनरी के अनुप्रयोग में, ठीक है। देख लीजिए, ये रहा हेनरी का आपका अनुप्रयोग, मात्र 3 काफी है। हेनरी का नियम की सीमाएं, 3 काफी है। अब ये रहा आपका हेनरी का नियम, और ये रहा हेनरी के नियम का सूत्र, और ये रहा आपका वहां पर इसका व्यंजक, आगे आपको समझ में। तो ये रहा आपका हेनरी का नियम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो इसका मैं इसको PDF बना के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। आज की वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।